आज मैं आपकी बहुत टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च को आसान करने आया हूं और रिकमेंड करने वाला हूं आपको तीन फोन्स 20,000 के अंदर जो आपको देंगे बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस और बताऊंगा आपको मेरा फेवरेट भी। पहले फोन के बारे में बात करने से पहले अगर पहली बार मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और यूजफुल जो वीडियोज हैं आपको मिलती रहेंगी, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। तो पहला फोन जिस पर आप बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हो वो है IQ Z3 5G। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये फोन 5G है, मतलब आप इस फोन को लंबे टाइम तक यूज कर पाओगे और इसकी परफॉर्मेंस में ज्यादा कमी नहीं आएगी लंबे टाइम तक यूज करने के बाद भी, क्योंकि ये फोन रन करता है स्नैपड्रैगन 768 पर। 6GB 8GB रैम ऑप्शंस हैं एंड 128GB 256GB स्टोरेज ऑप्शंस में ये फोन आता है। इस फोन को मैंने गेम बेंच मैट्रिक्स पर टेस्ट किया और ये हैं इसके कुछ स्कोर्स। COD को ये 55 FPS एट 91% स्टेबिलिटी पे रन करता है, एसफेल्ट 9 को 30 FPS एट 93% स्टेबिलिटी। अगर इस फोन के प्रोस की बात करूं तो ये फोन आता है 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ, इस पर आप बहुत अच्छी एंड रिलायबल गेमिंग कर पाओगे। इसका बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है, साथ ही 55W चार्जर जो है उसके साथ ही आता है, तो गेमिंग करते हुए अगर आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है तो उसे आप काफी तेजी से चार्ज कर सकते हो। माना गेमिंग आपका मेन पर्पस है, बट फिर भी फोन के बाकी फीचर्स भी तो आप यूज करोगे ना। इस फोन में जो चीजें मुझे पसंद नहीं आई वो है, इसमें आपको मिलती है IPS LCD डिस्प्ले और इस प्राइस पर AMOLED डिस्प्ले के साथ फोन आ सकते हैं, और इसका जो टीयर ड्रॉप नॉच है वो भी अब आउटडेटेड लगता है। कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही है एंड ये फोन स्टीरियो स्पीकर सेटअप के साथ नहीं आता है, तो मैं वो एक्सपेक्ट यहां पे कर रहा था। अगला गुड फॉर गेमिंग फोन है Realme X7। ये फोन आता है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले के साथ। ये रन करता है Dimensity 800U पर जो कि एक 5G प्रोसेसर है। इसमें आपको मिलते हैं 6GB 8GB रैम ऑप्शंस, बट स्टोरेज के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 128GB। ये चिपसेट जो है ये MediaTek का काफी पावरफुल चिपसेट है और अगर इस पर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो गेम बेंच मैट्रिक्स के हिसाब से COD पर मुझे मिले 56 FPS एट 84% स्टेबिलिटी एंड Asphalt 9 पर मिले मुझे 30 FPS एट 89% स्टेबिलिटी। गेम प्लेस काफ़ी स्मूथ थे और अगर स्टेबिलिटी की बात करें IQ Z3 के कंपैरिजन में तो थोड़े बहुत जो हैं माइनर लैग्स मुझे इस फ़ोन में देखने को मिले। अगर इस फ़ोन की अच्छी चीज़ों की बात करूं तो वो है इसकी सुपर AMOLED डिस्प्ले, मतलब अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो इस पर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी इस डिस्प्ले पर। साथ ही इसमें आपको मिलती है कॉपर लिक्विड कूलिंग, तो लॉन्ग आर गेमिंग भी आप इस पर आराम से कर सकते हो, कर तो आप बाकी फोन्स पे भी सकते हो बट यहाँ पर आपके पास एक एडवांटेज रहेगा। और ये फोन हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करता है, तो हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी का जो म्यूजिक है वो आप इस फोन पर इंजॉय कर सकते हो। और इसमें आपको मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर्स भी, और ये फोन 50W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इनबॉक्स ही आपको मिलता है 65W का चार्जर। अब बात करते हैं कि इस फोन में मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। यार अब क्योंकि हम इस फोन को गुड फॉर गेमिंग कैटेगरी में रख रहे हैं तो जिस तरह का इसका हार्डवेयर है इसमें एक हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले जो होना चाहिए था, मतलब क्योंकि फिर इस पर गेमिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी हो पाती, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता, तो ये मेरा ओपिनियन है इस फोन को लेकर के। इस लिस्ट का आखिरी फोन है Redmi Note 10 Pro Max। ये फोन आता है 6.67 इंचेस के फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz। ये डिस्प्ले काफी ब्राइट है, 1200 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है, साथ ही आपको मिलता है HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी और मिलती है आपको Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी इंप्रेस करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन रन करता है स्नैपड्रैगन 732G पर और गेम बेंच मैट्रिक्स पे मुझे टेस्ट करने पर मिले कॉल ऑफ ड्यूटी में 58 FPS एट 98% स्टेबिलिटी एंड Asphalt पर 30 FPS एट 99% स्टेबिलिटी। तो आप इस पर काफ़ी रिलायबल एंड तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर बात करें कि इस फोन में मुझे क्या पसंद आया है तो वो है इसका डिस्प्ले जो बाकी दो फोन्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा आउटपुट देती है। इसका प्राइमरी एंड मैक्रो कैमरा भी मुझे पसंद आया एंड इसकी 5020mAh की बैटरी जो है वो बाकी दो फोन से बड़ी है और स्टीरियो स्पीकर होने के साथ ये फोन भी हाई रेज ऑडियो को सपोर्ट करता है। इसमें जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई वो है इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा, और बेशक इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है लेकिन आपको इसमें सिर्फ 33W का चार्जर मिलता है जो कोई स्लो चार्जर तो नहीं है बट बाकी दो फोन्स के मुकाबले जो 55W 65W के चार्जर हैं उनसे तो कमी है। और एक और चीज़ वो ये है कि ये फोन 5G नहीं है, तो मुझे ये कमी इस फोन में लगी। तो अब बात कर रहे थे कि इनमें से मुझे किस फोन ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, तो मैं बोलूंगा ओवरऑल Redmi Note 10 Pro Max एक बढ़िया फोन है।
अगर हम गेमिंग की बात करें तो, क्योंकि आपको मिलती है एक बढ़िया 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले, ये ज़्यादा रिलायबल गेमिंग जो है आपको ऑफर करता है बाकी दो फोन्स के मुकाबले। और गेमिंग के अलावा मुझे इसका कैमरा और स्टीरियो स्पीकर्स जो हैं वो भी काफ़ी पसंद आए। बट हाँ, बाकी जो दो फ़ोन हैं वो 5G हैं और ये नहीं। बट मैं अभी जो है 5G को प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए और बहुत तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस भी चाहिए तो आप iQOO Z3 ले सकते हो। वैसे आपके हिसाब से किस फ़ोन को टॉप पर होना चाहिए था मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप देख रहे थे गोविंद को डिजिट हिंदी पर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।